नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं विवेक शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश की वीडियो आपको मिल रही होंगी और यहाँ पे जो जीके का सेक्शन रहेगा वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये जो वीडियो रहेगी, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ये आपके लिए जो HP कंडक्टर का एग्ज़ाम होगा, HP टेट का एग्ज़ाम होगा और एंड ऑल अदर एग्ज़ाम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली वीडियो जीके सेक्शन की। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज बिल्ड द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला अकॉर्डिंग टू यूरोपियन आर्किटेक्चर। शिमला में सबसे पहले यूरोपीय वास्तुकला के अनुसार भवन बनाने का श्रेय किसको है? ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, किसको आएगा यहाँ पे, किसको है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन कैनेडी, ऑप्शन बी रहेगा आपके आपका कैप्टन चार्ल्स, ऑप्शन सी रहेगा कैप्टन मार्क, ऑप्शन डी है कैप्टन रो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, कैप्टन कैनेडी। ये जो कैप्टन कैनेडी हैं, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1822 में अंग्रेजों ने इन्हें, कैप्टन कैनेडी को, भारतीय राजाओं से, जो पहाड़ी राजा थे उनसे नजराना वसूल करने के लिए यहां पे रखा था, इनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्ट 3 miles ऑफ रोड अराउंड जाखू। ये जाखू हिल्स जो शिमला में है हमारा, जाखू हिल के इर्द गिर्द 3 मील सड़क का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है, किसने करवाया? या फिर इसके ऑप्शन रहेंगे आपके साथ चार, ऑप्शन ए है लॉर्ड सेंट, ऑप्शन बी रहेगा लॉर्ड कॉम्बरमियर, ऑप्शन सी रहेगा लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिस। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कॉम्बरमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल द हिंदुस्तान तिब्बत रोड वाज स्टार्टेड इन 1851। कहता है 1851 में किस गवर्नर जनरल की देखरेख में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण आरंभ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने सुना ही होगा, हड़प्पा नीति के बारे में, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति चलाई थी, तो इनके बारे में आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द शिमला म्युनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश्ड। शिमला नगर पालिका की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है आपके पास 1851, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1849। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1851। जो शिमला नगर पालिका की स्थापना थी वो 1851 में, शिमला जो नगर पालिका बना था वो 1851 में बना था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज गेटी थिएटर कंस्ट्रक्टेड इन शिमला। गेटी थिएटर के बारे में आपने सुना होगा, गेटी थिएटर, ये जो शिमला में है, शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण कब हुआ? शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण कब हुआ? ये जो गेटी थिएटर है इसके बारे में आपने सुना होगा, इसमें कई सारी जो हमारी बॉलीवुड की जो मूवी हैं उनकी शूटिंग भी हो चुकी है और भी कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। ये जो गेटी थिएटर है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो निर्माण हुआ था
ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है 1887, 1890, 1880 एंड 1885। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेयटी थिएटर से पूछे जाते हैं कि गेयटी थिएटर एक तो है कहाँ, एक तो शिमला में है, और इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका गेयटी थिएटर जो बनाया गया था, ये अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, और इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण हुआ था 1887 में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1887 रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड बिशप कॉटन स्कूल, व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड बिशप कॉटन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल की स्थापना कब और किसने की। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिशप कॉटन स्कूल भी शिमला में है, मे बी जो हमारे पूर्व सीएम थे श्री वीरभद्र सिंह जी, वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो इसके जो आंसर हैं, ऑप्शन हैं, इसका पहला ऑप्शन है 1860 लॉर्ड एल्गिन, दूसरा ऑप्शन है 1859 जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन, तीसरा ऑप्शन है 1870 सर जॉन, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो भाई इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जो बिशप कॉटन से नाम से पता चल रहा, बिशप कॉटन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन। ये इन्हीं के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया था, बिशप कॉटन स्कूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गेयटी थिएटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गेयटी थिएटर, गेयटी थिएटर का वास्तुकार कौन था, इसका जो डिजाइनर वास्तुकार ये कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन रहेंगे इसके, कॉम्बरमियर, विक्टर जेक्यूमोंट, सी ऑप्शन रहेगा इसका हेनरी इरविन, और डी ऑप्शन रहेगा इसका नन ऑफ दिस। ये तो इसका जो गेयटी थिएटर था, इसका जो वास्तुकार था वो था हेनरी इरविन। गेयटी थिएटर का जो वास्तुकार था वो था हेनरी इरविन। ये वही हेनरी इरविन है जिसने वाइसरीगल लॉज भी, इसी वाइसरीगल लॉज का वास्तुकार भी हेनरी इरविन ही था, जो वाइसरीगल लॉज अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए जो बनाया था शिमला में, वो आज भी शिमला में है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हेनरी इरविन रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ वाइसरीगल लॉज, हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ वाइसरीगल लॉज। ये जो वाइसरीगल लॉज है, ये यहाँ पे जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे, तो अंग्रेज जब शिमला में आते तो यहाँ रहते थे, तो जो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसको ये वाइसरीगल लॉज कहते थे, और ये वाइसरीगल लॉज शिमला में है। ये शिमला में ऑब्जर्वेटरी हिल में है, ये ऑब्जर्वेटरी हिल शिमला में कहाँ पे है, ऑब्जर्वेटरी हिल में है। और वाइसरीगल लॉज का वास्तुकार कौन था, तो मैंने जैसे पीछे क्वेश्चन में भी बता दिया था आपको कि जो वाइसरीगल लॉज का जो वास्तुकार था वो भी कौन था, हेनरी इरविन। तो इसके ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना इसको, ठीक है, हेनरी इरविन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच गवर्नर जनरल रोट एंड स्टेज अ प्ले इन गेयटी थिएटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एक गवर्नर जनरल था, या वाइसराय, मे बी वाइसराय 1800 नहीं शायद गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का एक गवर्नर जनरल था जिसने गेयटी थिएटर में एक नाटक लिखा था और उसका वहां पे मंचन भी किया था। गेयटी थिएटर में एक नाटक लिखा था और उसका वहां पे मंचन भी किया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन एंड लॉर्ड लॉरेंस।
इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने यहां पे एक नाटक लिखा और उसका मंचन भी किया। नाटक का नाम था बालपोर। मे भी नाटक लिखा नहीं है यहां पे ऑप्शन में क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट प्ले टू बी फिल्म्ड इन गेटी थिएटर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट प्ले टू बी फिल्म्ड इन गेटी थिएटर। गेटी थिएटर में फिल्माया जाने वाला पहला नाटक कौन था, क्या था? गेटी थिएटर में फिल्माया जाने वाला पहला नाटक क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ऑप्शन बी है टाइम स्टॉप्ड। ऑप्शन सी है टाइम ऑफ माय लाइफ। ऑप्शन डी है टाइम विल टेल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टाइम विल टेल। तो भाई गेटी थिएटर में फिल्माया जाने वाला सबसे पहला जो प्ले था, नाटक था, वो था टाइम विल टेल। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्राइस्ट चर्च जो कि शिमला में है, क्राइस्ट चर्च वॉज एस्टेब्लिश्ड इन शिमला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्राइस्ट चर्च जो है ये आपका शिमला में है, और ये जो क्राइस्ट चर्च है ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, हमारे नॉर्थ इंडिया का सेकंड सबसे पुराना ओल्डेस्ट चर्च है ये, जो ये क्राइस्ट चर्च शिमला में है ये हमारे नॉर्थ इंडिया का सेकंड सबसे पुराना चर्च है, जो कि अंग्रेजों ने यहां पे शिमला में बनाया था। तो क्वेश्चन है क्राइस्ट चर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन शिमला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। शिमला में क्राइस्ट चर्च की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई, किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? शिमला में क्राइस्ट चर्च की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग वन। ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग टू। एंड ऑप्शन सी इज लॉर्ड एलगिन वन। एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड एलगिन टू। तो शिमला में क्राइस्ट चर्च की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? ये हुई लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम में। शिमला में क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई लॉर्ड शिमला में सॉरी शिमला में क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम में। लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम में। लॉर्ड हार्डिंग टू के बारे में भी आपने सुना होगा, जब हमारी जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, और कलकत्ता से दिल्ली जो ट्रांसफर हुई थी 1911 में, ये लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम में हुई थी, और जो हमारे क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग टू पे बम फेंका था, लेकिन ये बच गए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर सीइंग द ब्यूटी ऑफ प्लेस नेम्ड नालदेहरा इन शिमला विच वाइसराय नेम्ड हिज डॉटर एलेक्जेंड्रा।
टू नाल देरा, अलेक्जेंड्रा टू नाल देरा। क्वेश्चन है कि शिमला में नालदेरा नामक स्थान की सुंदरता को देखकर किस वायसराय ने अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा का नाम नालदेरा रख दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भारत के एक ऐसे वायसराय भी हुए हैं, ये नालदेरा जो जगह है ये शिमला में है, भारत के एक ऐसे वायसराय भी हुए हैं जिन्होंने, जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा, जिन्होंने अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा का नाम, जो नाल शिमला में एक जगह है नालदेहरा, उसकी ब्यूटी को देखकर, उस जगह की ब्यूटी को देखकर अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा का नाम नालदेहरा रख दिया था। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो भाई जो एक ऐसा वायसराय जिसने अपनी बेटी का नाम शिमला में एक जगह है नालदेहरा उस पर रख दिया था, इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर रहेगा। और लॉर्ड कर्जन के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या हुआ था, वायसराय के जो बारे में, वायसराय गवर्नर जनरल के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आते हैं कि ये वाली चीज किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। तो भाई जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ है, 1905 का बंगाल का विभाजन। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है शायद 1905 इनका कार्यकाल था। तो 1905 में जो हमारा बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वो पहले एक ही था बंगाल, जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसको डिवाइड कर दिया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन के बारे में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना है वो 1885 में कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ है 1885 में। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में क्या हुआ है महत्वपूर्ण घटना, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार पेपरों में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि भारत छोड़ो आंदोलन किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। तो लिनलिथगो के टाइम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी जानना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण नरसंहार जिसको बोल सकते हैं, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कई बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, इन विच ग्राउंड ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द डूरेंट कप, डूरेंट कप, ये जो डूरेंट कप है ये भी क्वेश्चन में कई बार पेपर में पूछा था कि डूरेंट कप किस खेल से रिलेटेड है, जो डूरेंट कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है हिमाचल के किस मैदान से, हिमाचल के किस मैदान से डूरेंट कप की शुरुआत की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है ए अन्नाडेल, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, अन्नाडेल, दूसरा ऑप्शन है चयाल, तीसरा ऑप्शन है रझाना और चौथा ऑप्शन है, चौथा ग्राउंड नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो डूरेंट कप की जो शुरुआत थी ये आपकी रही थी शिमला में ही एक मैदान है अन्नाडेल। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ईयर शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिमला कब अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, शिमला कब अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो इसके जो ऑप्शन है ये देखते हैं, ए ऑप्शन है इसका 1866, बी ऑप्शन है इसका 1864, सी ऑप्शन है 1855 एंड डी ऑप्शन है इसका 1857। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, शिमला
कब अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? अंग्रेजों ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी इसलिए बनाया था ताकि ये गर्मियों से निजात पा सके। गर्मियों से निजात पाने के लिए ये शिमला में आते थे और शिमला को इन्होंने अपनी समर कैपिटल बना लिया। तो इसको समर कैपिटल कब बनाया था, इसको समर कैपिटल कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1864 में। तो इसका बी ऑप्शन रहेगा 1864। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज डिक्लेयर द शिमला एज द समर कैपिटल, हु वाज डिक्लेयर, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया, किस गवर्नर जनरल ने बनाया था, या फिर ठीक है क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है कि शिमला को ग्रीष्म का, जब शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तब भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है जॉन लॉरेंस एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, डी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो। तो शिमला जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी वो बनी थी लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच गवर्नर जनरल वाज बरीड इन धर्मशाला, किस गवर्नर जनरल को धर्मशाला में दफनाया गया था, किस गवर्नर जनरल को धर्मशाला में दफनाया गया था। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो लॉर्ड एल्गिन रहेगा। धर्मशाला में किसको दफनाया गया था, लॉर्ड एल्गिन को। ये मे बी 1863-62 के आसपास की बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो बस हमारी इतनी ही थी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस के साथ। धन्यवाद।